गृह मंत्रालय लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले किसी भी समय नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA नियमों को अधिसूचित कर सकता है। CAA नियम अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 10 फरवरी को नई दिल्ली में कहा था कि CAA को लागू करने के नियम आगामी लोकसभा चुनाव से पहले जारी किए जाएंगे और लाभार्थियों को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान करने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी। CAA के लागू होने की सबसे बड़ी वजह है लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होना। केंद्र सरकार इसे लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले इस कानून को लागू करना चाहती है। दूसरा, CAA को लेकर कुछ समय पहले सरकार द्वारा एक पोर्टल भी तैयार कर लिया गया है। पात्र पड़ोसी देशों से आने वाले विस्थापितों को सिर्फ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा और गृह मंत्रालय इसकी जांच कर नागरिकता जारी कर देगा। सूत्रों के मुताबिक CAA रूल्स के मुताबिक नागरिकता देने का अधिकार पूरी तरह से केंद्र के पास होगा। CAA कानून के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 के पहले आने वाले 6 अल्पसंख्यकों हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। वहीं बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान देशों से आए विस्थापित अल्पसंख्यक को कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। आपको बता दें कि संसद ने दिसंबर 2019 में संबंधित विधेयक को मंजूरी दी थी और बाद में राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद इसके विरोध में देश के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे। CAA को लेकर देश में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली थी। कई राजनीतिक दलों ने भी इसका विरोध किया था। इसी वजह से सरकार ने रूल्स फ्रेम करने में देरी की थी और पर अब CAA रूल्स का नोटिफिकेशन होम मिनिस्ट्री ने जारी करने की पूरी तैयारी कर ली है। ऐसे वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।